सबसे दुखद खबर है बिहार के नवादा जिले में दलित समाज के घर पर 80 घरों को जला दिया गया। वो सरकारी जमीन में रहते थे और उस पर गांव के ही कुछ बदमाश जो दलित समाज के ही लोग थे और पिछड़े, उनके उनकी नज़र थी और वो चाहते थे कि उस जमीन से उनको भगा दिया जाए। उसमें नंदू पासवान और एक शख्स का जो नाम है वो भी मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के बताऊं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। आशीष यादव, नंदू पासवान, यमुना चौहान, ये तीनों लोग जो हैं वो किंग पिन हैं और वो चाह रहे थे कि इस जमीन को खाली करा लिया जाए और उन पर हमला किया गया। सोचिए, जब से वर्गीकरण का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, किस तरह से दलित समाज को, आदिवासी समाज को बांट दिया गया है। मीना समाज के खिलाफ भील समाज को खड़ा किया जा रहा है, ट्राइबल समाज के तमाम कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज और रविदास समाज एक दूसरे के आमने सामने आ गया है। बिहार में मांझी जी के बयान के बाद मांझी समाज और पासवान समाज के लोग आमने सामने आ गए हैं। तो ये जो वर्गीकरण की वजह से एक दूसरे के मन में जो कटुता भर दी गई है, और सोचिए इसी तरह की कटुता ओबीसी के कुर्मी कुशवाहा यादव के खिलाफ बाकी अति पिछड़ी जातियों में भर दी गई है, और ये सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होता है। मणिपुर में आज हिंसा चल रही है क्योंकि वहां के एक जज ने ट्राइबल रिजर्वेशन में जनरल कैटेगरी के लोगों को घुसाना शुरू कर दिया था, उसके बाद वहां हिंसा भड़की, वो आज तक नहीं रुक रही है। अब दलित समाज के तमाम जातियों को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है, आदिवासियों को आमने सामने खड़ा किया जा रहा है, ओबीसी के लोग पहले से हैं। अब मैं आपको बता दूंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, ये तमाम जो किसान जातियां हैं, तमाम जो पिछड़े समाज की जातियां हैं, पहले तो आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ये जाति बनाई, वो लोगों ने जाति बनाई जो जाति में सबसे ऊपर है और जिन्होंने जाति की मलाई खाई। आजादी के बाद जब वोट का अधिकार मिला तब भी जातीय वर्चस्व कायम था, लेकिन हाल के दिनों में लगातार एससी एसटी ओबीसी और किसान कम्युनिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, अल्पसंख्यक समाज को लोग एकजुट हो रहे थे और जाति का जो बनाने वाले लोग थे उनका वर्चस्व टूट रहा था। चाहे मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, राजनीति में, सब जगह एससी एसटी ओबीसी बहुसंख्यक हो रहे थे, 90% हो रहे थे। बिहार जाति जनगणना के बाद हुआ कि एससी एसटी ओबीसी की संख्या 90% है, तो इसको तोड़ा कैसे जाए। सब एकजुटता बन रही थी, दलित समाज एकजुट हो रहा था, आदिवासी एकजुट हो रहा था, पिछड़े एकजुट हो रहे थे, अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे थे, राहुल गांधी संविधान लेकर जाति जनगणना का डिमांड कर रहे थे। इसी बीच वर्गीकरण लाया गया। जो लोग वर्गीकरण के पक्ष में हैं और जो लोग वर्गीकरण के खिलाफ हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, आज भी एससी एसटी ओबीसी का 1.5 लाख पद बैकलॉग में है, 30 लाख नौकरियां खाली, आपको नहीं मिलेगा। जब आप एक साथ थे तो आपको नहीं दिया गया, वैकेंसी ईमानदारी से नहीं निकाली जाती है, और जब आप लड़ेंगे आपस में तो आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अनिल यादव ठीक कहते हैं, पत्रकार हैं, कि जिस काम की तारीफ सवर्ण समाज के लोग करें, सवर्ण समाज के लोग जमकर वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, तो समझिए कुछ बेईमानी है। सवर्ण समाज के लोग जमकर वन नेशन वन इलेक्शन की तारीफ करें, समझिए कुछ गड़बड़ है। मैं इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज से अपील कर रहा हूं, देखिए आप जाट हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, गुर्जर हैं, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, पासवान हैं, रविदास हैं, अगर आप जातिवाद करते हैं किसी के साथ तो आप जेल जाएंगे, क्योंकि आपका जो जातिवाद है वो बकरी छीन लेंगे, मूछ नहीं रखने देंगे, घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे। आप इस तरह का जातिवाद करते हैं, बैगन तोड़ लेने पर, आम तोड़ लेने पर, गन्ना काट लेने पर, इस तरह के जातिवाद दिखावे में आप जातिवाद करते हैं और आप एससी एसटी एक्ट में जेल जाएंगे। और जो दलित समाज आपस में लड़ रहे हैं उनका तो नुकसान ही नुकसान है, चाहे वो मांझी समाज हो, चाहे पासवान समाज हो, जो दलित समाज आपस में लड़ रहे हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, आपका तो नुकसान ही नुकसान है। लेकिन जो तमाम लोग, जो एससी एसटी ओबीसी किसान जाति के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जेल जा रहे हैं, जिनसे जेल भरा पड़ा है, खीरा चोरी के तहत आप जेल जा रहे हैं, हीरा चोरी के लोग मजा कर रहे हैं, हीरा चोरा करके लोग भाग रहे हैं, आपके साथ जातिवाद कहां होता है सो समझिए। इस देश में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, रविदास, पासवान, ये कोई यमीना, ये सब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, ये मीडिया में पत्रकार भी नहीं है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में इंजीनियर प्रोफेसर नहीं है,
ये स्पोर्ट्स में नहीं है, सिनेमा में नहीं है, बिजनेस में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, ये कहीं नहीं है, एका दुक्का कोई गलती से है। और वहां पर जिन लोगों ने जाति बनाई है, जो जिनको हम जातिवादी और मनुवादी कहते हैं, वो आप सबको एक डंडे से हांकता है और आपके साथ जातिवाद करता है। तो आप खीरा के चक्कर में जातिवाद करके जेल जा रहे हैं और वो हीरा आपसे छीन रहा है। इसीलिए कहावत है कि असरफी की लूट, असरफी मतलब सोना की लूट हो रही है और आप कोयला के लिए, कोयला पर छाप पर आप कोयला के लिए लड़ रहे हैं। तमाम एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों से गुजारिश है, आपस में सौहार्द रखिए, भाईचारा रखिए और अपने सोशल पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके साथ भी जातिपात हो रहा है, महीन जातिवाद, शहर में जातिवाद। जब आप बिजनेस करेंगे, नौकरी में जाएंगे, आईएएस कलेक्टर, एसपी, डीएम, सीएम बनेंगे, स्पोर्ट्स क्रिकेटर बनेंगे, तब आपके साथ जातिवाद होता है। और वो महीन जातिवाद वो लोग करते हैं जिन्होंने जाति के नाम पर मजे लिए हैं और जाति के नाम पर जिन्होंने लाभ उठाया है। तो एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग, आप अगर जातिवाद करेंगे, बिहार में जिन्होंने जातिवाद किया है वो सब जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कह रहा हूं कि आप भी जातिवाद के शिकार हैं, आप जाट हैं, पटेल हैं, मराठा हैं, गुर्जर हैं, आप भी जातिवाद के शिकार हैं, आपके बच्चे भी जातिवाद के शिकार होते हैं, लेकिन कहां, कॉलेज में, मीडिया में, जुडिशियरी में, बिजनेस में, ब्यूरोक्रेसी में। और आप जातिवाद करते हैं सड़कों पर और आप जेल जाते हैं, तो इससे बचिए। दूसरी खबर है वन नेशन वन इलेक्शन का। वन नेशन वन इलेक्शन से अखिलेश यादव ने कुछ बड़े सवाल उठाए हैं और मैं फिर कह रहा हूं ये बड़ा सवाल है जो आपको मैं पढ़ के बताना चाहता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन का बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसका असर इतना बुरा होगा कि जनता को लूट लेंगे लोग। सोचिए, आज बिहार, आज चुनाव है हरियाणा में, सरकार को कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती है जिससे महंगाई बढ़ जाए, जनता का अनदेखी हो जाए। चुनाव जो है वो सरकार को अकाउंटेबल बनाता है। हर राज्य में 6 महीने पर कहीं ना कहीं चुनाव होता रहे, देखिए सरकार औकात में रहेगी। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, कोई पार्टी हो, वो औकात में रहेंगे और महंगाई, बेरोजगारी पर उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बार चुनाव हो गया भाई साहब, अगर 5 साल के लिए, और 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, तो आपका नट बोल्ट टाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने, कि नेता आपको लूट लेंगे। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन से जनता का जरूर बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और ये जो कहते हैं जो लोग कि इससे पैसा की बर्बादी होती है, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। वन नेशन वन एजुकेशन कीजिए, सब बच्चों के लिए एक तरह का पढ़ाई। वन नेशन वन पेंशन कीजिए, ईवीएम हटाइए। ये नहीं करेंगे, सरकार नौकरी बेरोजगारी से बचना चाहती, इसलिए आपको वन नेशन का झुंझुना पकड़ा रही है। अखिलेश यादव के कुछ वाजिब सवाल है, लगे हाथ महाराज झारखंड यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन सिद्धांत के रूप में है तो कृपया स्पष्ट कीजिए कि प्रधानमंत्री, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिराएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? उसको भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनाव का निजीकरण करने का परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कितने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय एवं जरूरी संसाधन नहीं, इसलिए आम चुनाव कराने का काम किसी को ठेका पर दे दे रहे हैं अपने लोगों को। सोचिए, अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाया, क्या चुनाव को ठेके पर दिया जा सकता है? जैसे नीट एग्जाम दे दिया गया, पेपर लीक, ईवीएम। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और स्तर पर अपने चुनाव को एक साथ करके दिखाए, फिर देश की बात करें। अखिलेश यादव क्या तीखा प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले बीजेपी अपनी पार्टी का सारा चुनाव एक साथ करा के दिखाए। चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो यह है कि वहां तो 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलती है। कहीं कमजोर हो चुकी भाजपा को अब 2 पर्सन 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है? अखिलेश यादव ने तीखा प्रहार किया, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका सवाल है
कि क्या वन इलेक्शन के बहाने चुनाव को ठेके पर तो नहीं दिया जा सकता। जब एग्जाम ठेका पर हो गया, जब सारे नौकरियां ठेके पर जा रही, तो कहीं चुनाव न ठेका पर करा दे। और चुनाव ठेके पर होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों का होगा। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। वहीं हरियाणा का अपडेट कर दूं, जम्मू कश्मीर का बीजेपी की हालत खराब है, लेकिन विपक्षी एक दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए कुछ संभावना बन सकती है। लेकिन एक बात और है कि बीएसपी के आकाश आनंद को भरपूर समर्थन मिल रहा है, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।